दोस्तों आपने पूरी सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम आपको झांसी के सबसे पूजनीय ओरछा राम राजा मंदिर के परिसर में बने खत्री पूरी सब्जी और भंडार के मशहूर पूरी सब्जी और सन्नाटा खिलाने लाए हैं। और 50 साल पुरानी इस दुकान में प्रतिदिन 100 किलो पूरी सब्जी बनाई और लोगों को खिलाई जाती है। और इसे सिर्फ पूरी सब्जी ही नहीं बल्कि राम राजा मंदिर का प्रसाद भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ से पूरी सब्जी बनकर पहले मंदिर में भोग लगाया जाता है, जिसके भाव से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो आइए इसके पूरी सब्जी और सन्नाटे की पूरी मेकिंग देखते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं। यह प्रसाद लगाते हैं, इसलिए हम जो इसमें तेल यूज करते हैं उसको भी लगभग चेंज कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि प्रसाद राम जी को नहीं लगता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं आ चुका हूँ ओरछा। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे राम जी को एक भगवान की तरह नहीं लेकिन एक राजा की तरह पूजा जाता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में इकलौता इस तरीके का मंदिर है। और यहाँ पर भगवान राम जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। राम राजा मंदिर के परिसर में ही एक खत्री मिष्ठान भंडार है जहाँ के पूरी सब्जी और सन्नाटा यहाँ पे बोला जाता है छाछ को, मट्ठे को। तो यहाँ पे सुबह का जो नाश्ता और दिन का लंच आप अगर यहाँ पर आते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, उनकी पूरी मेकिंग देखते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं कि उनका स्वाद कैसा है। आइए। तो दोस्तों हमारे साथ हैं यहाँ के ऑनर सर, आपका नाम? कौशलेंद्र कौशल, सुक्कर खत्री के नाम से जानते हैं। तो ये कब से है ये खत्री पूड़ी एंड मिष्ठान भंडार आपका? जी सर, 47 ईयर्स हो गए। और ये राम राजा मंदिर में के परिसर में ही है? जी बिल्कुल, मंदिर पर परिसर में कुएं के सामने। ये क्या क्या बनता है यहाँ पे? हमारे यहाँ सर पूरी सब्जी और रायता अचार। रायता मीन्स मतलब सन्नाटा बोलते हम लोग बुंदेलखंड में, जो मट्टे का बनता है। बड़ी बात ये है कि बिना प्याज लहसुन का होता है। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सुबह से चालू हो जाता है, रात को 10 बजे तक चलता है। हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं मंदिर के अंदर। तो मतलब जो भी चीज आपके यहाँ पे पहले बनेगी वो प्रसाद के रूप में पहले मंदिर जाएगी, भोग लगेगा, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते बांटते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर देखें अंदर मेकिंग किस तरीके से हो रही है। जी बिल्कुल, आइए। ये हमारे आलू उबल रहे हैं सर, इसमें करीब क्वांटिटी में 50 किलो के आसपास आलू रहता है। 50 किलो? जी। ये टमाटर रखे हुए हैं और इसके बाद इसका मसाला जो हम लोग बाहर बनाते हैं, और इसमें सन्नाटे की यहाँ पे अब रायता बनेगा जिसे हम लोग सन्नाटा बोलते हैं। मठा बना के दिखाओ बेटा। ये मठा आप जो देख रहे हैं, गांव से मठा आता है, तो ताज़ा आता है प्रतिदिन। क्या क्या मसाले इसमें डालते हैं? इसमें सर इसमें बूंदी डलेगी, जीरा डलेगा, अदरक मिर्ची डलेगी और मसाले डल जाते हैं। ये हम लोग अब बघार लगा रहे हैं रायते में, यानी छोंक लगा रहे हैं। हाँ जी। और ये देखिए इसमें इन्होंने ले लिया है ये जीरा, और अभी इसमें ये डलेगा देखिए तेल। अब इसमें डलेगी हींग। हींग डलेगी अब बस। तो जीरे और हींग का आप छोंक लगा दो। लो ये बस दिया। ये देखो दोस्तों, ये इनका लग गया छोंक इसमें। ओ क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये था इनका छोंक, ये छोंक लग गया है सन्नाटे में। ये अदरक और मिर्ची जाएगी। अदरक और मिर्ची, ये हल्की सी लाल मिर्ची और धनिया। लाल मिर्ची और धनिया। प्रोसेस तो पूरा हो गया। अब ये था सन्नाटे का प्रोसेस है ना? हाँ जी। नमक अपन जब लगाएंगे, जब खाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खट्टापन आ जाता है इसमें। अच्छा। तो इसलिए खट्टापन रोकने के लिए नमक लेट लगाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा पूरा प्रोसेस सन्नाटे का, क्या है मिक्सी वगैरह का यूज नहीं कर, सब बुंदेलखंडी काम है। और ये जो आपका जो नमक है ये काला नमक है? काला नमक, बहुत ही बढ़िया। ये मार्केट वाला नमक यूज नहीं करते? हमारे पिताजी करीब 47 साल से जब यहाँ जब आए हैं, तब से रेगुलर बेनागा सर्दी गर्मी बरसात जो भी हो, पर उनका टाइम नहीं चूकता, 4:15 के बीच में मंदिर पहुँच जाते हैं। आपके पिताजी? आपके पिताजी हैं। नमस्ते सर। हमको 45 साल यहाँ पर हुआ है काम करते हैं। हम हैं 72 साल के और हमारे चौथी पीढ़ी पाँचवी पीढ़ी काम करने आ रही है। अच्छा। तो अभी यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो आपके सब्जी के मसाले की तैयारी हो रही है? हाँ जी, सब्जी का मसाला तैयार कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग तेल डालेंगे। तो कितनी सब्जी डेली बनती है आपके यहाँ? करीब 50 किलो तो कम से कम बनी जाती है। 50 किलो तो कम से कम है ना? जैसे इतवार और मंगलवार को हमारे क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस समय क्या है, मंगलवार को बाजार बंद रहता है तो व्यापारी लोग आते हैं, और संडे को ऑफिस बंद रहते हैं, तो मतलब जो आपके ऑफिसर लाइन के लोग हैं वो आते हैं। उस दिन कितना बन जाता होगा? करीब 70 किलो के आसपास। 70 किलो के आसपास। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो ये सारे जो आप मसाले देख रहे हैं ना, ये रेडीमेड नहीं है, हम लोग खुद इकट्ठा क्वांटिटी में लेके इनको पिसवाते हैं। मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है,
बोरों में ले लेते हैं खट्टा, साबुत ले लेते हैं, साबुत लेके फिर बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, अपन काला नमक लगाएंगे उस समय, सन्नाटे में। हाँ, इस समय क्या खट्टे की वजह से लगाते नहीं है। तो ये डल गया जी काला नमक। अभी इसमें मट्ठा बढ़ता जाएगा, गांव से आएगा तो मट्ठा बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, मतलब मट्ठा आता रहेगा और डालते रहोगे। हाँ, वो फिर अलग अलग बढ़ाते जाएंगे। होगी अभी ये एक ही डब्बा आया, 8 बजे तक सारे डब्बे आ जाते। तो वैसे है ना, जब आप बता रहे हो कि मट्ठा बहुत तीखा होता है, तो उस तीखेपन के लिए क्या डालते थे इसमें? इसमें मिर्ची, हरी मिर्ची ज़्यादा डलती थी, अदरक ज़्यादा डलता था, हल्का सा लाल मिर्ची भी लगाते स्वाद के लिए। बट अपन अभी लोगों इसलिए कम कर दिया है क्योंकि गुटके वाले लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, सही बात है। चलिए, तो अभी ये देखो दोस्तों, ये हींग और घी डाल दें। अच्छा, हींग डल रही है, डाल दीजिए। डालो, तो ये डल गई दोस्तों हींग, तो ये डाल गई मेथी। और दोस्तों ये जो हम आपको मेकिंग दिखा रहे हैं ना, ये राम राजा जो सरकार मंदिर है इसके परिसर में ये खत्री पूड़ी एंड सब्जी मिष्ठान भंडार है। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहीं पर रुक करके ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। ये आ गया जी सौंफ आ गई, थोड़ी मद्दी करो, मद्दी करो। अब डलेगा जीरा इसमें। ये है जी जीरा। अब इसमें डलेगी अदरक और मिर्ची। अदरक और मिर्ची वो भी उसी में कूटी हुई है ना? हाँ, तमाम दस्ते में, मिक्सी में नहीं करते हम लोग, कुछ भी मिक्सी का काम। हाँ, देसी काम है, गरम मसाला कुटा हुआ अपने हाथ का, बड़ी इलायची। हाँ, सब कुछ रहता है इसमें, धोड़ा है, जायफल पत्ती है, जायपत्ती तेज चीनी सब। और अब ये जो आपके मसाले, अदरक, ये है धनिया, धनिया, लाल मिर्ची। हाँ, और हल्दी। लो पानी लो। तो ये मसाला डालते ही तुरंत पानी डाला जाता है ताकि काला पड़ना है। हाँ, मसाला जले ना। खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, अच्छा लगेगा आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च लगाते हैं। ये देखो दोस्तों कितना गाढ़ा एक जो मसाला है वो हो गया है। ये देखो यार कितना गाढ़ा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा और पानी डाल दिया अभी इसमें हल्का सा भूनने के लिए, बस। हाँ, मसाले का भूनने का ही स्वाद मेन है। हाँ, मसाले जितना अच्छे से भून जाएंगे उतना टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो मंदिर में लोग कितने बजे से आना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, अब मंदिर में सामने भीड़ लगने लगी है, 7:30 बजे एंट्री हो जाएगी अंदर, है ना, लोग बैठे हुए हैं। हाँ, और दर्शनार्थी आना शुरू हो गए हैं। तो ये कितने बजे खुलता है मंदिर? 8 बजे खुलेगा सुबह। एक बार में 100 लोग बैठ जाते हैं हमारे। 100 लोग बैठ जाते हैं। और मैंने सुना है इसकी इतनी मान्यता है कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े लोग आकर के गए। यहाँ अमूमन शूटिंग चलती रहती है, आज भी शूटिंग अभी करीब 15 दिन से चल रही है शूटिंग। ऐश्वर्या की कोई साउथ मूवी बनी थी, उसका नाम तो थोड़ा सा अजीब था। डायरेक्टर वगैरह जो अभी जो आप बात कर रहे हैं ना ऐश्वर्या राय, उसकी मूवी की जो डायरेक्टर थे वो आए थे हमारे रेगुलर 3 दिन खाने आए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मसाला जो है अच्छे से पक गया है, पूरा जो तेल है वो ऊपर आ गया है मसाला पक करके। अभी इसमें डल रहा है नमक। नमक, नमक डालेंगे हम, एक पैकेट लगा देते हैं करीब 50 किलो में। 50 किलो में एक पैकेट नमक। हाँ जी, क्या बात है यार, मतलब इतना सही फील है ना। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। ये देखिए, ये होता है इस मंदिर का एंट्रेंस। और यहाँ पे वैसे और भी दुकानें हैं, लेकिन जो फेमस दुकानें आगे हम आपको वहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि है खत्री पूड़ी एंड मिष्ठान भंडार। ये मेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं इसमें। अब डालेंगे और अभी देखो ये आ गया है टमाटर, डाल दीजिए जी, टमाटर भी डाल दीजिए। ये देखिए जी टमाटर भी डल गया है अब इसमें। कितनी देर में बन जाता है ये पूरा? कम से कम 1 घंटे का प्रोसेस, 1.5 घंटे का प्रोसेस रहता है। सुबह आप कब तैयारी शुरू करते हो हमेशा? वैसे दुकान तो हमारी 4:15 बजे 4:30 बजे खुल जाती है। अच्छा, क्योंकि हम 8 बजे तक ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। 8 बजे से ही? हाँ जी, आरती के जो दर्शनार्थी निकलते हैं वो प्रसाद के रूप में आके पूरी सब्जी को खाते हैं। और ये डेली का काम है? प्रतिदिन का काम है, 12 महीने। इवन हमने कोरोना काल में भी इसको बंद नहीं किया था, हम मंदिर में घर से बना के बेचते रहे। टमाटर पकेंगे और उसके बाद में ये आलू में जाकर मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया है मसाला यहाँ पे तैयार। अब इसको अंदर ले जा करके बस उसमें मिला देंगे, सब्जी में डाल देंगे, आलू में मिला देंगे, फिर ये पकेगी। अच्छा, और अच्छा स्वाद आ जाएगा इसका। ये देखो दोस्तों ये डाल दिया इसमें सारा। अभी करीब आधा 1.5 घंटा पकेगी ये, उसमें तब इसका पूरा एक सा मसाला हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सब्जी का प्रोसेस।
तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये क्या पेड़े हैं, किससे बनते हैं? ये देसी खोए का पेड़ा होता है और इसमें 1 किलो खोआ और पावर चीनी रहती है इसमें, एक कम चीनी का पेड़ा है। इसे अपन 10 दिन आराम से रख सकते हैं बिना फ्रिज के। और यहाँ पर यही चढ़ाते हैं लोग मोस्टली? इसके अलावा कलाकंद होता है यहाँ पर, इसकी विशेष जो है इसको कलाकंद का क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्वाद अच्छा होता है और आदमियों की पसंद में भी यही ज्यादा आता है। तो ये पेड़ा और कलाकंद का ही अंदर प्रसाद भी चढ़ाते हैं लोग, है ना? मैं देख रहा था अभी लेके जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, अन्य चीजों का प्रसाद इसलिए नहीं लगाते कि और चीजों में मैदा सूजी वगैरह रहती है, यहाँ जो चीज खोए से संबंधित होगी उसी का प्रसाद लगेगा। मंदिर में प्रसाद लगाने अपन जब जाएंगे, जब मंदिर की आरती हो जाएगी तब लड़का जाएगा वो प्रसाद लेके, तब मंदिरों में प्रसाद देगा, सब जगह प्रसाद बांटने के आएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो ये आरती कितने बजे? 8 बजे चालू हो जाएगी सर, और 8-10 तक आरती चलेगी, उसके बाद फिर स्तुति चलेगी, फिर चरणामृत बांटना शुरू हो जाता है प्रसाद लेना। तो जो प्रसाद अपना चढ़ेगा उसकी प्रिपरेशन शुरू करें? ये गांव से जो मट्ठा आता है ऐसे डब्बों में पैक होके आता है। अच्छा, ये आ गया मट्ठा? और ये मट्ठा आता जाता है, उसमें डाल के दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये आ गया इनका मट्ठा गाँव से जो अभी आने वाला था, और ये दोबारा देखो इसमें डल जाएगा सन्नाटे में, इनके जो यहाँ पर मट्ठे को सन्नाटा बोला जाता है, ये देखिए डल गया है। और देखो इसी के साथ यहाँ पर ये जो हमारी सब्जी थी ये बन रही है, ये देखो उगन पूरा देखो किस तरीके से ऊपर आ गया, यानी सब्जी जो है मसाला उसका पक गया है, इसीलिए तेल जो है पूरा इसके ऊपर आ गया है, देखो आप देख सकते हो। ये देखिए गोल्डी मसाला है, तो अपना जो हमारा खुद का मसाला है वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें जी, बना हुआ। अभी गोल्डी वाला एक मसाला डाल देते फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है, सब्जी मसाला होता है गोल्डी का वो डालते हैं। और इसके बाद इसमें एक कसूरी मेथी डालेंगे, हाँ गोल्डी की कसूरी मेथी है, और ये कसूरी मेथी डाल दी देखो, बहुत ही बढ़िया। 50 किलो ये सब्जी बन रही है, और मंगलवार और रविवार को इनके पास ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। ये हरा धनिया डाल दिया, ये देखो हरा धनिया डाल दिया फ्रेश एकदम, और ये रायते में पुदीना लग जाएगा। अच्छा रायते में ये पुदीना, बहुत बढ़िया। तो लगभग अपनी तैयारी लगभग हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। चलो ये देखिए सब्जी, ये देखो दोस्तों ये है सब्जी, झोल वाली सब्जी है जो पूड़ी के साथ चलती है, और ये अभी चढ़ी चढ़ी और थोड़ा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, ये चढ़ी रहेगी और पकती रहेगी तो इसमें ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी इसकी। तो दोस्तों ये देखो ये लग रहा है मंदिर के लिए प्रसाद, ये मंदिरों में जाएगा, उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। इसके साथ एक एक पेड़ा भी रहेगा, पूड़ी भी रहेगी। छः तो एक दो ना सब्जी, 6 पूड़ी और एक पेड़ा, एक पेड़ा ये हर मंदिर में जाएगा प्रतिदिन। ये सब्जी इन्होंने सब्जी में से आलू निकाल के देखो इस तरीके से मैश करके प्रॉपर, और ये दोने में लगा दिए हैं, और अब जो बचेगा उसी को फिर हम सब्जी में डाल देंगे। अच्छा, तो प्रसाद हो गया, जो वहाँ से आएगा वो प्रसाद के रूप में डाल देते हैं सब्जी। तो ये लग रहा है राम राजा मंदिर में जाने के लिए पूरा प्रसाद, ये पूरी तैयारी हो रही है। मट्ठे आ रहे हैं गांव से, देखिए ये ताजे मट्ठे आ रहे हैं। तो ये मट्ठे आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, एक रोज का नियम है इनका आने का, प्रतिदिन ताजा मट्ठा आएगा प्रसाद, क्योंकि हम प्रसाद लगाते हैं इसलिए हम जो इवन तेल यूज करते हैं उसको भी पार्टी लगभग चेंज कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि सकरा प्रसाद राम जी को नहीं लगता, इसलिए फ्रेश बनाना पड़ता सब कुछ। तो दोस्तों अंदर जो है सारी तैयारी हो चुकी है, वो लगभग बन करके रेडी है, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में हालांकि शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं आरती से होकर के आता हूँ, फिर आपको आगे की चीजें दिखाता हूँ। यह नियमित कम से कम 47-45 साल से चल रहा है, इसी तरीके से प्रसाद लगवाते हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बांटते देते हैं। दोस्तों ये आ गया है मंदिर, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम आपको यहीं तक दिखाएंगे, और अब ये अंदर जाएंगे और इसका भोग लगवाएंगे पूरा जो है प्रसाद, ये अंदर जा रहा है भोग लगेगा, फिर भोग के बाद में हम लोग जाएंगे और आपको खा करके बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और हालांकि मैं झांसी टूर पे आया था, झांसी फूड टूर, लेकिन झांसी से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर ये ओरछा मंदिर आता है जो कि राम राजा मंदिर है। ये सन्नाटा है, तो ये है सन्नाटा है ना? हाँ ये सन्नाटा है, ये आलू की सब्जी है ग्रेवी वाली, देखिए आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, और ये आम का अचार है, मिर्ची का आम का, ये है जी आम का अचार, और ये देखिए पूड़ियाँ हैं गर्मा गर्म, हाँ है ना, कोई फैंसी कुछ नहीं है, साधारण काम है, बिल्कुल साधारण काम है और शुद्ध काम है। तो ये आ गई पूड़ी गर्मा गर्म, देखो भारी तल रही है, और अंदर ये बैठक है, पूड़ी की खुशबू और ये चीजें बहुत सही है, सन्नाटा सन्नाटा। अभी खाते हैं और आपको बताते हैं इसका जायका कैसा है।
तो दोस्तों ये है प्रिपरेशन। और ओरछा के लिए कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आए और मंदिर के दर्शन नहीं किए और इनकी पूरी सब्जी नहीं खाई तो कुछ नहीं किया। डेली 50 किलो सब्जी इनकी यहाँ पर बनती है पूरी बल्क में। हमने आपको पूरी मेकिंग दिखाई, आपने देखी थी। और इनके जो आलू हैं ये विद स्किन होते हैं, और क्योंकि सबसे पौष्टिक आहार ही इसी में होता है। और ये जो चीज़ है ये यहाँ का रायता है, इसको सन्नाटा बोला जाती है। ये रायता तो है लेकिन असली सन्नाटा का मतलब होता था कि ये बहुत तीखा बनता था, पीते ही ना सन्ना जाए आदमी, इसलिए सन्नाटा बोलते थे इसको। लेकिन समय के साथ और क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं अलग अलग जगह से आते, तो उनको ज़्यादा तीखा महसूस होता था, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज करके अभी कम तीखा, एक बूंदी रायते के साथ इसको खा भी सकते हो और पी भी सकते हो। तो मात्र 40 रुपए का ये जायका है, और इसमें 6 पूड़ी आपको मिलती है, सब्जी मिलती है और ये सन्नाटा मिलता है। पूड़ियाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बनी हुई हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जी से। ये देखो आलू बिल्कुल अभी बनी है, बिल्कुल गर्मा गर्म। और आज बताया सर ने कि थोड़ा समय से लेट बनाए, नहीं तो ये जो आलू है ना पूरे घुल जाते हैं इसमें और ज़्यादा अच्छा झोल बन जाता है। सो दिस इज़ माई बाइट। वैसे भी पूड़ी सब्जी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, आलू की सब्जी और पूड़ी, बहुत सही है। तो दोस्तों एक बार फिर देखिए, ये है सब्जी बिल्कुल झोल वाली पूड़ी सब्जी। और क्या सुबह सुबह, ये देखो दिस इज माई बाइट। सुबह का समय, पूड़ी सब्जी का नाश्ता और भव्य मंदिर का जो दर्शन है ना, सारा कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत सही लगेगा जब भी आप ओरछा आते हैं। ये एक जगह फेमस है, एक्चुअली मंदिर में भोग भी लगाया जाता है, तो इसको लोग एज अ प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और जब प्रसाद का नाम आ जाता है ना कहीं पे, तो उसका टेस्ट वैसे भी अलग ही होता है। और सही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। सन्नाटा पी करके देखते हैं इसका जायका क्या बोलता है। दूसरे रायते से थोड़ा सा अलग है, इसलिए भी है क्योंकि इसमें कूट के मसाले डाले थे अपन ने, है ना, मिर्ची अदरक और धनिया इसमें है, पुदीना इसमें है, और उसके अलावा जो इन्होंने काला नमक डाला था ना उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आ रहा है। खटास इसमें आ रही है ना, वो फिर अलग लेवल की ही है। वैसे सन्नाटा जितना तीखा होता था उतना तो नहीं है, लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कलाकंद के साथ भी खा के देखिए, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है, बुंदेलखंड की टेस्ट है पूड़ी के साथ, पूड़ी का। तो ये ऐसे खाते हैं कलाकंद डाल, बहुत सारे लोग खाते। अरे वाह दोस्तों, ये एक नया तरीका है खाने का, खा करके देखते हैं। इसका अलग स्वाद आएगा। आप आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से कलाकंद लीजिए और पूड़ी में डालिए। जब आप पूड़ी खीर के साथ खाते हो जैसा फील आता है, वैसे ही जब आप पूड़ी कलाकंद के साथ खाते हो ना, तो वही दूध से मेकिंग वाला आइटम होगा। सही है, बहुत सही लग रहा है, स्वाद आएगा, बहुत सही लग रहा है। एक और चीज़ है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो क्योंकि मंदिर है तो उसके लिए प्रसाद भी लेना होता है, तो ये क्योंकि खत्री स्वीट्स भी हैं इनके पास में, पेड़े मिल जाते हैं और कलाकंद का जो भोग लगता है वो प्रसाद भी आप यहाँ से ले सकते हो। और बाकी आपको कुछ भी डिटेल जानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चाहे इनके प्रसाद की रेट है, इसकी रेट है। तो अब जल्दी से इसकी मैं आपको रेटिंग बता देता हूँ। ये पूड़ी सब्जी बिल्कुल वही वाली चीज़, कभी भी आप किसी भंडारे में खाते हैं तो उसका एक अलग जायका होता है जब झोल वाली सब्जी आपको मिल जाती है। इसका जो मैं रेटिंग दूंगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग बकायदा यही होनी चाहिए। उसके अलावा जो इसका प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सबको पता है कि हम हमारी वीडियोज़ यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, उसके अलावा हम हमारी वीडियोज़ को फेसबुक और इंस्टा पर भी डालते हैं। इंस्टा पर आपको रील्स मिल जाती हैं और फेसबुक पर कुछ टाइम बाद पूरी वीडियो भी आपको मिल जाती है। और अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। सो आई थिंक अब मैं इसका मज़ा ले लेता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ। और अगर आप कभी भी ओरछा आते हो ना, तो मंदिर का तो महत्व है ही, और जायका मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इससे बेहतर मेरे ख्याल से सुबह का नाश्ता या दिन का लंच नहीं हो सकता। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि ओरछा प्रसिद्ध है अपने इन बिल्डिंग्स के लिए, आर्किटेक्चर के लिए। पीछे आप जाएंगे तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपनी रील्स बना सकते हैं, फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ओरछा क्या है, धार्मिक नगरी भी है, ऐतिहासिक नगरी भी है, और पिकनिक स्पॉट भी है। अंदर अगर आप जाएंगे नदी से आगे तो आपको झरने वगैरह भी घूमने मिल जाएंगे। लक्ष्मी मंदिर वगैरह आर्कियोलॉजी के हिसाब से अगर आप घूमेंगे तो आपको ये सारी मॉन्यूमेंट्स है। धार्मिक नगरी के हिसाब से देखेंगे तो राम जी का मंदिर है, हरदोल जी का मंदिर है, गिरवारधारी मंदिर है, छारद्वारी मंदिर है, यहाँ सब चीज़ों का एक समन्वय है। तो आदमी जिस भाव से आए उस हिसाब से अपने, कोई घूमने आता है, कोई पिकनिक मनाने आता है, कोई धार्मिक नगरी के हिसाब से आता है। तो हाँ, यहाँ हर महीने में मेला लगता है, पुख नक्षत्र बोलते उसको, वो हर 27वें दिन आता है, जिस दिन जिस नक्षत्र में राम जी को रानी लेके आई उसका विशेष महत्व।
आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।